जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पैराकमांडो फिटनेस अकेडमी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो है टीए आर्मी का रैली। आप लोगों को पता है नोटिफिकेशन आ चुके हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ, काफी दिन से कमेंट्स आ रहे हैं, सर आपका वीडियो इंतजार कर रहा हूँ देखने के लिए। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करूंगा ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन, आपको क्या साथ लेके जाना है। तो साथियों, सबसे पहले कहना चाहूंगा, जिस दिन भर्ती होगा वो ऑनलाइन कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आपके एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके जाना डायरेक्ट भर्ती में। ओपन रैली, आप लोगों को पता है आर्मी का जो रैली है पहले होया करता था, क्या चीज होया करता था, बिना रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट, ठीक है। तो वही सेम डायरेक्ट आपको ओपन रैली है, वहां पर जाना है आपको डॉक्यूमेंट लेके, वहां पर जाके पहले होगा दौड़, ठीक है। दौड़ से पहले होगा नापदंड, नापदंड के अंदर आपका पहले हाइट मेजरमेंट किया जाएगा, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद आपका जो वेट, उसके बाद आपको अंदर बुलाया जाएगा। आप मैं बात करूंगा, सबसे पहले नंबर वन डॉक्यूमेंट है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आपके पास होना चाहिए। नंबर टू, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आज बता रहा हूं आपको नोट कर लीजिएगा एक कॉपी लेके। तीन नंबर पे आएगा आपकी पैन कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना पैन कार्ड का नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है बैंक अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, SBI बैंक, ठीक है। आपको जो पासबुक साथ लेके जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आधार कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, लेकिन अपडेट किया होना चाहिए, नहीं दो साल पहले आपने बनाया हुआ, पांच साल पहले बनाया हुआ अपडेट नहीं है, तो मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। आपकी फोटो, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, जिस दिन भर्ती है एक हफ्ता पहले आप फोटो बनवा लीजिए, पांच फुट फोटो, 20 कॉपी होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका एक फाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जहां पर जा रहे हो भर्ती देखने के लिए, वहां पर आपकी जो फाइल है बढ़िया होना चाहिए, जिससे आपका डॉक्यूमेंट टूट फूट ना हो, आपके पास फाइल होना चाहिए। आप मैं बात करूंगा, जिसकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो साथ लेके जाएगा, अगर नेशनल इंटरनेशनल गेम खेला है वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको साथ लेके जानी है, आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। अगर आपने NCC किया हुआ तो NCC सर्टिफिकेट आपको साथ लेके जानी है। उसके बाद आ जाता है आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो बनता है, एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनता है और एक होता है स्कूल के द्वारा जो बनाया जाता है वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, तीन होता है, और एक होता है आपके सरपंच के द्वारा बनाया जाता है कैरेक्टर, तीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसकी छह महीने की वैलिडिटी डेट होता है, वो आपको साथ लेके जानी है। अनमेरिट सर्टिफिकेट इसमें मांगा नहीं, अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में ज्वाइनिंग के टाइम आपको जरूरत पड़े, लेकिन अभी अनमेरिट सर्टिफिकेट ना बनाए तो बेटर है। उसके बाद एक एविडेविट बनता है, आप 50 रुपए की एविडेविट बना सकते हो, कोर्ट के द्वारा बन जाता है, अभी बनाना नहीं, सबसे पहले आपकी लोकेशन देखो कहां पर आपका भर्ती है, अगर जून 1, जून 2, जून 3 इसमें दिया गया, अगर जून 1 और जून 1 में है वो जिस ग्राउंड में आपका रैली होगा वहां का लोकेशन लेके आपको बनानी है एविडेविट। पहले गलती ना करें, क्योंकि काफी पैसा खर्चा होता है, तो सोच समझ के बनाएगा एविडेविट। उसके बाद बताना चाहूंगा और एक सर्टिफिकेट बनता है ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको नेट में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, रनिंग के दौरान जो भी आप भर्ती में जाते हो कोई टूट फूट होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए बना जाता, ये आपको बना के लेके जानी गार्जियन का साइन करके, ठीक है। तो रही बात भर्ती फेक या रियल है, काफी दिन से कमेंट्स आ रहे, तो साथियों काफी दिन से मैं भी सोच रहा था फेक है, लेकिन बाद में पुष्टि होने के बाद पता चला ये फाइनली नोटिफिकेशन आ गया और टीए की भर्ती शुरू हो गया, तो टीए की भर्ती शुरू हो गया ये राहत भरी खबर है। लेकिन काफी दिन से कमेंट है सर एज क्राइटेरिया क्या है, तो साथियों एज क्राइटेरिया 18 साल से लेके आपको 42 साल उम्र है, लेकिन 18 साल जिसका नहीं हुआ वो भर्ती नहीं देख सकता, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो भर्ती की लोकेशन जहां पर दिया गया आपके जून के हिसाब से जो लिस्ट है काफी, उसी लिस्ट को देखते हुए आपको जाना है, और भर्ती से पंचल टाइम पहुंचो, 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंचो, यानी जिस दिन भर्ती है आप, इस दिन 6 बजे का टाइम दिया आपने, 7 बजे गया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर बंदे होगा ज्यादा, आप लोगों को पता ही है SCB आर्मी की भर्ती जिन जिन बच्चों ने देखा इनकी ओवरेज हो चुके हैं, कोई SSC GD में ओवरेज हो चुका, बहुत सारे बंदे, काफी बंदे यहाँ पर आएगा, तो कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा। रनिंग आप लोगों को पता ही है 100 की बेस्ट लाएगा, उसमें से 10 बच्चों का रखा जाए या 15, इससे ज्यादा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि टीए भर्ती में सभी आ जाए, बूढ़े जवान सब आता है इसमें, क्योंकि 42 साल उम्र बहुत बड़ी बात होता है, और जो वैकेंसी है ये 4 साल के बाद निकला, एक सुनहरा मौका है, इसको छोड़ना नहीं है, दुआदार प्रैक्टिस शुरू करो, और जो भी बच्चे हमारी पैराकमांडो फिटनेस अकेडमी में आना चाहता है
आ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, लेकिन समय बहुत कम है। आइएगा और अपना तैयारी 100% देना। अगर ग्राउंड में 100% दोगी तो 110% आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं सोचना 100 की बेस लग रहा है, मेरा होगा नहीं होगा, 5 बच्चे को रख रहे हैं, 10 बच्चे को रहे। अपना मेहनत जारी रखो, चाहे 5 बच्चे रहे चाहे 1 बच्चे रख रहे, लेकिन आपके अंदर वो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं 100% दूंगा ग्राउंड के अंदर और वहां पर जाकर एक्सीलेंट मारूंगा, बस आपके मन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा टूटना नहीं है दिल। आप लोग इतना वेट करने के बाद ये सुनहरा एक मौका मिल रहा है, इसको हाथ से छोड़ने नहीं देना। तो साथियों, मैंने डॉक्यूमेंटेशन सारे बता दिया और आपको पंचल्टन पहुंचनी है, अभी सर आप लोग मेहनत करिए, लेकिन रिटर्न इतना खास नहीं है, फिजिकल के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो साथियों, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और वीडियो को अच्छा लगा सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, जिससे आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बन सकते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन पूरा बता दिया, अपना ख्याल जरूर रखना। जय हिंद।